मुर्दे किधर से जाएंगे? अगर आदमी को अंतिम समय में वो भी यात्रा जाने के लिए भी रास्ता नहीं है तो फिर काहे के लिए, तो प्रशासन है काहे के लिए वो जनप्रतिनिधि है। कई जगह नालियों की समस्या देखी है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि एक गली के बीचों बीच इतनी चौड़ी नाली बनी हुई हो, और इस नाली की वजह से यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस नाली में आप देखो इतनी गंदगी है, इतने मच्छर इसमें हो रखे हैं कि आए दिन यहाँ से इस गंदगी की वजह से लोग परेशान होते हैं, और इसी की वजह से जो लोग यहाँ पे आते जाते हैं वो इस नाली की वजह से गिर जाते हैं, उनके साथ में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें इसकी वजह से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये नाली इसके बीचों बीच है, दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो सड़क बनी हुई है, लेकिन ये जो मामला रुका हुआ, जब यहाँ के मोहल्ले के लोगों से बात की तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ़ जब अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद आया तो स्टे ले लिया गया। अब ये बात समझ से दूर है कि ये जो रास्ता है ये आप आराम से देख सकते हैं कि इसकी वजह से इस पूरे मोहल्ले को परेशानी होती है, और यहीं से होकर आगे शमशान घाट के लिए रास्ता जाता है, तो आने जो जीवित लोग हैं उनके साथ साथ में आप ये देखो कि कोई आदमी मर जाता है उसे शमशान घाट ले जाया जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर बड़ी परेशानी है। जो चबूतरे यहाँ पर बाहर बना रखे हैं उनके ऊपर बताया जा रहा है कि स्टे लाया गया है। यहाँ पर हमने एक जो निवासी है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट है जिन्होंने इसके ऊपर स्टे दिया उन्हें आकर एक बार देखना चाहिए कि क्या ये स्टे देने वाली जगह है, जब ये रास्ता आम लोगों का रास्ता है तो उसके ऊपर स्टे किस प्रकार से दिया जा सकता है। पास की जो गली है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, लेकिन इस समस्या की वजह से वो भी परेशान है क्योंकि यहीं का गंदा पानी उस गली तक भी पहुँचता है, तो नगर परिषद को इसको लेकर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। ये जो समस्या है हमारी, जो नाली है और कीचड़ है, इसको 2.5 साल हो गए है, और सबसे बड़ी बात तो है जो कोर्ट में रहने वाले है वो ही इनको कर रखा है, और 4 घर के चूतरे तोड़ दिए नगरपालिका ने, और 1 घर के पास आते ही उसके दबाव में अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, और ये लोग है ना रोज़ के एक आधा इसमें पड़ते रहते हैं, किसी के पग टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, और कोई भी इसे शमशान का मेन रास्ता है लेकिन रास्ता बदल दिया गया है, और शमशान ऐसा है कि सिक्कर में शमशान नहीं है ऐसा, लेकिन ये जो गली है ये सीकर जिले में भी नहीं मिलेगी आपको ऐसी गंदी गली, और सब मोहल्ले वाले परेशान हो रखा है। ये 4 घर या 3 घर है जो इनको अतिक्रमण है वो नहीं हटाया गया नगर पालिका का। अब जवा में है मालूम है तो गाय भी है तो भी कुत्तर लेवा तो भी मैं तकलीफ पावा, और आधा ज़्यादा दुख पावा, कोई साधन भी निकाल कौन सका। अब सही परेशान हो रही है, स्कूल का बच्चा भी परेशान हो रही है, अरे ठीक है देखो दरबाना शमशान घाट में आदमी जबड़ भी परेशान हो रही है, अब कहीं है तो ये कर दियो आधा काम कर दिया आधा मारा तो ठीक चूतरा खोरा तोड़ दिया, और मैं तो अभी कौन बोला भाई चूतरा खोरा कोई का तोड़ बनाओ, मैं तो अभी बोल दिया नाली बना लियो मारा चूतरा बना दियो उठा, मैं तो देखो आई बात किया, मैं तो आज भी आई बात खेला, मैं तो पहले भी आई बात किया बना दो, मैं तो अभी खे दिया जी दिन थे जिया ही बना दो, मैं तो भी दिन अभी देखो खे दिया, और जगह दिन से आई राड चल रही है राजनीति आई चल रही है, मैं तो जो भी आई चीज़ खेल सामने देखो स्टे लिया है, अब स्टे भी कोई चूतरा के लिए बाकी वह मैं ही कौन नटा मैं यहाँ करा भाई सके काम वासी जगह, तो देखो सब भी परेशान हो रहे हैं, आप जल वाले परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, सही परेशान है, बच्चा भी परेशान है, बूढ़ा ठहरा हुआ भी परेशान है, तो आपने इको काम करो जो को आपने सही ढंग से ही करो। और मैंने नगर परिषद से इसको 50 लाख का टेंडर करवा के नाली और सड़क सीसी सड़क बनाने का टेंडर करवाया था, लेकिन एक पक्ष ने कोर्ट स्टे लेकर काम रुकवा दिया गया है। नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है आपने कहा कि इसके लिए 50 लाख का टेंडर लेकर आपने इसके लिए सड़क नाली का काम है वो पास करवाया, लेकिन एक पक्ष है जिसने इसके ऊपर कोर्ट में स्टे ले लिया है, तो इस ये तो जो रास्ता है वो आम रास्ता है, यहाँ से लोगों के आने जाने में दुविधा होती है, तो इसमें स्टे किस वजह से लिया गया? अपने चबूतरे बचाने के लिए, न टूटवाने के लिए। अच्छा ये अतिक्रमण का मामला भी है इसमें सर? अतिक्रमण का मेन अतिक्रमण का मामला ही है, तो अतिक्रमण है उसकी वजह से जो लोग चाहते हैं कि उनका अतिक्रमण नहीं हटाया जाए उसकी वजह से उसके ऊपर स्टे ले लिया गया है, तो कोर्ट में क्या परिस्थिति, कोर्ट में ये केस लगभग कब से चल रहा है? 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, पहले यहाँ सीकर चल रहा था अब हाई कोर्ट में ले गए। अच्छा तो सीकर का जो कोर्ट है उसमें क्या फैसला आया? कोर्ट
स्थायी लोक अदालत में अलग केस करवा कर वो पहले 4 महीने का टाइम दिया था नगर परिषद को, फिर बाद में 4 महीने में कार्य नहीं होने के कारण से 1 महीने का अब दोबारा कोर्ट ऑफ कंटेंट का केस लगा तो उसमें 1 महीने का टाइम दिया। पर नगर परिषद चाह रही है कि अस्थायी जो भी अतिक्रमण है वो हटाकर ही बनाए। कमिश्नर साहब परसों आके गए थे शनिवार को, तब उन्होंने आश्वासन देकर गए कि वे अस्थायी अतिक्रमण हटा के ही कार्य चालू करूँगा। ये एक दूसरी गली उसी गली को लगती हुई आगे जाती है। इस गली के जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस गली में ना तो किसी प्रकार का कोई स्टे है ना कोई परेशानी, लेकिन जो पास वाली गली है उसकी वजह से उनको परेशानी होती है और उनके यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा। तो चलिए हम इस गली में जो रहने वाले लोग हैं, ये गली आती है वार्ड नंबर 25 में, उनसे बात करते हैं। माना कि कोई विवाद चल रहा है अतिक्रमण का, वहाँ स्टे आ रखा है, लेकिन हमारी गली में तो कुछ नहीं है। हमारी गली में तो जिस जो भी चाहिए बंदा, नाली और सड़क नगर परिषद की है, किसी की पर्सनल नहीं है। कोई भी आएगा नाली को बंद कर देगा, रोड पे कसम ट्रोली डाल देगा और पूरा रास्ता जाम कर रखा है, आने जाने में परेशानी हो रही है। हमारी गली में कोई स्टे नहीं है। अगर नगर परिषद चाहे तो हमारा काम, हम पूरे गली वाले पूरे मोहल्ले वाले हैं, उनका सहयोग करके कल ही निर्माण कार्य चालू करवा दो, हम इसके लिए तैयार है। अगर नगर परिषद हमारी गली वाले से बंदे से कोई लिखवाने के लिए लिखवा भी ले सकती है वो भी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी गली में तो कोई विवाद ही नहीं है। पूरे मकानों को सील आ गई, पूरे आसपास में जो डंडे हैं मकानों के, जो चार दीवारी बनी हुई है उसमें वो सीम आ गई, वो पढ़ने की कगार पर है। आने जाने में परेशानी हो रही है, दो चार औरतें इस पानी में गिर भी गई थी। इसलिए प्रशासन से और आप प्रेस वालों से हमारा निवेदन है कि हमारी आवाज़ उठाएं और कलेक्टर साहब को ये अवगत कराएं, क्यों कि नगर परिषद तो मूक दर्शक बैठी हुई है, क्योंकि वहाँ तो उनके कारिंदे हैं, वहाँ उनको पक पक की रिपोर्ट पहुँचाते हैं वो। इसलिए हमारा ये कहना है प्रेस वालों से कि आप कलेक्टर साहब तक ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ तो ये हमारी समस्या का समाधान हो। पिछले 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं, कई औरतों के पैर टूट गए, कई के टाके आ गए, कई बच्चे गिर गए और ये बीमारियां फैल रही है, घर घर में मच्छर हो रहे हैं, अभी ये मौसमी बीमारियां चल रही है। इसलिए हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप कलेक्टर साहब तक डायरेक्ट पहुंचाएं। पास में ही शमशान घाट है, उनका रास्ता चेंज हो गया, वो मुर्दे किधर से जाएंगे? अगर आदमी को अंतिम समय में वो भी यात्रा जाने के लिए भी रास्ता नहीं है तो फिर काहे के लिए? तो प्रशासन है, काहे के लिए वो जनप्रतिनिधि है, आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे जन? हम कितनी बार नगर परिषद जाके आ गए, प्रशासन को ज्ञापन देके आ गए, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। क्यों कि हम अपोजिशन में बैठे हैं, हमारा पार्षद है वो बीजेपी का है, कांग्रेस वालों का काम हो रहा है। इसलिए जिन्होंने उनके सब की ये नाली है जो नगर परिषद की बनाई हुई है, वो सब कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि वे कोर्ट में कर रहा है, कोर्ट में काम कर रहे हैं तो कानून को मुट्ठी में ले लेंगे? कानून तो सबके लिए बराबर होता है। 2 साल पहले उस रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ये आमने सामने वालों ने आपस में विवाद करके और स्टे ले आया, कार्य वही रुक गया और फिर उन्हीं लोगों ने आगे पत्थर डाल के मिट्टी डाल के नालियाँ बंद कर दी, जिसकी वजह से 2 साल हो गए ये पानी भरा हुआ पड़ा है। अब बारिश आती है, बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है, अंदर के लोग अंदर रहो, बाहर के लोग बाहर रहो, हमारे घर के अंदर तक पानी चला जाता है, डेंगू से सब बीमार हो रहे, बच्चे बाहर खेल भी नहीं सकते। जिन्होंने नाली रोक रखी है, जिन्होंने स्टे ला रखा है, जिन्होंने विवाद किया है, वो खुद कोर्ट में बैठते हैं, इसलिए कोर्ट में जो वो कहते हैं वो होता है, उसके अलावा हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके रिश्तेदार भी प्रशासन में है, आयुक्त है, आयुक्त भी हमारी कोई नहीं सुन रहा। मतलब तो हमारे तो यही निवेदन है कि जो स्टे वाली जगह है उसको रोक के बाकी जो है उसका तो निर्माण कम से कम किया जाए, बाकी लोग तो कम से कम परेशान नहीं हो। घरों में पानी, मच्छर, इतने मच्छर, बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाते। और मेरी मम्मी खुद 2 बार इस पानी में गिर गई। न्यायपालिका का काम न्याय दिलाने का होता है, न कि इनलीगल जगह पर स्टे देने का। ये कौन से मजिस्ट्रेट साहब हैं जो आम रास्ते के ऊपर इन्होंने स्टे दे दिया? अरे कम से कम ये तो देखो, ये आम रास्ता है,
उसमें तो स्टे मिलने का काम ही नहीं है। किस पे दिया है? कम से कम वो न्यायाधीश महोदय है जो कुर्सी पर बैठते हैं, न्याय करते हैं, कम से कम उनको ये तो होना चाहिए कि मैं स्टे कहाँ पे दे रहा हूँ। अरे सार्वजनिक रास्ते के ऊपर अगर वो न्यायाधीश महोदय एक बार आके इस मोहल्ले में देखे ना तो उनकी आँख तो खुले। कम से कम निवेदन है मेरा उस न्यायाधीश से कि जिन्होंने इसको स्टे दिया है वो एक बार यहाँ आके और इस मोहल्ले को देखें और मोहल्ले वाले की पीड़ा सुने। तो समस्या आपके सामने है, करीब 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इसी प्रकार से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास भी किए हैं लेकिन इसका समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है। जो भी अलग अलग प्रकार की समस्या है, चाहे वो इसका स्टे हो या फिर दूसरी जो समस्या है, उनको नगर परिषद को चाहिए कि यहाँ के लोगों से मिले, बैठकर बात करे और किसी प्रकार की आपसी समझाइश या कोई दूसरे तरीके लगाकर इस समस्या का समाधान की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी इससे निजात मिल सके।